स्विंगिंग द टेलीस्कोप। स्विंगिंग मीन्स इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड एज स्विंगिंग। मतलब क्या, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। दिस इज टेलीस्कोप एंड दिस टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन वर्टिकल प्लेन। ये प्लेन क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये प्लेन क्या है हमारा, वर्टिकल प्लेन। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन। तो अगर मैं टेलीस्कोप को रोटेट करूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है, और कौन से एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रहा है। तो व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज स्विंगिंग। स्विंगिंग अगर, इफ आई एम डूइंग स्विंगिंग इन राइट डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करें तो उसको हम कहते हैं राइट स्विंग, और अगर हम टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, तो इसको कहते हैं लेफ्ट स्विंग। स्विंग की दो टाइप है, राइट स्विंग एंड लेफ्ट स्विंग। व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड और रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसको हम कहते हैं राइट स्विंग, एंड व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट स्विंग। तो अगर हम ये स्विंग का पोर्शन करते हैं राइट स्विंग या लेफ्ट स्विंग, तो इससे होता क्या है, एक टाइप है एरर का जो कि इलिमिनेट हो जाता है, जो कि कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो क्या है, उस एरर का नाम है एरर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम यहाँ पर हमने यूज़ किया है, वो है बैकलैश। एरर ड्यू टू फ्रिक्शन और बैकलैश, BACKLASH, ये एरर हमारा इलिमिनेट हो जाता है। फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट की वजह से ऑब्वियसली जो पार्ट्स हैं थियोडोलाइट के वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और मूवमेंट की वजह से वहाँ पर एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो रीडिंग्स हमारे मिलने वाली है, उन रीडिंग्स में समवॉट एरर होने के चांसेस हैं, तो वो एरर हमारा स्विंगिंग करने की वजह से इलिमिनेट हो जाता है। थैंक यू।